नमस्कार, मैं के हिलर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मन एक बहुत बड़ी चीज़ है। मन अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इसका एक उदाहरण मैं अभी आपको पेश करूँगा कि मैंने महाराष्ट्र में एक लड़का था जो कि रेसलर था। अब उसने एक एक स्टेप आगे आगे गया, वो स्टेट लेवल तक के गया था। सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन वो एक पॉइंट से चला गया। एक पॉइंट की वजह से उसकी हार हो गई। वो उसने अपने मन में बैठा लिया कि मैं ऐसा ही हूँ, मुझे कुछ जमता नहीं, मैं एक पॉइंट की वजह से गया। यानी न्यून गंडता उसमें आ गई, सिंपल से फंडा, न्यून गंडता। तो ये न्यून गंडा के कारण क्या होता है कि वो आगे अब जब फिर से ट्राई करेगा तो कर नहीं पाएगा वो। और उसमें और एक प्रॉब्लम था कि वो कभी किसी के सामने कुछ बात नहीं कर सकता था। यानी जैसा स्टेज पे आके बात करना, दो शब्द बोलना, कुछ अपने बारे में बहुत बताना, वो नहीं कर सकता था क्योंकि वो डर लगता था। उसमें भी न्यून गंडा था। जब मैंने वहाँ पे उनको हिप्नोटाइज किया, वहाँ पे बहुत से बच्चे थे, उनमें उनको मैंने हिप्नोटाइज किया। हिप्नोटाइज करने के बाद उसके वजह से कमांड दी मैंने। कमांड देने के बाद जब वो उठा तो फिर मैंने उसके हाथ में माइक दिया और उसको बोला कि अब ऐसा समझ लो कि यहाँ पे बहुत सारे ये सब स्टेज पे ये सब लोग बैठे हैं और अब तुम बात करो। तो देखिए, उसने फटाफट बता दिया कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का हूँ, मैंने ऐसा किया, मैं एक मार्क से, एक गुण से मैं पीछे रह गया। तो ये कितने अच्छे ढंग से बात किया उसने। और हुआ कुछ नहीं, सिर्फ मैंने उसे हिप्नोटाइज किया, सजेशंस दिए, और उस सजेशंस के आधार पे तुरंत ही वो जब बाहर आया तो उसे ये सब कृति करने के लिए लगाया, हो गई। देखिए मन पे कितना इफेक्ट होता है, बहुत इफेक्ट होता है इसका मन में। अभी ये जो वीडियो है ये मराठी में है, महाराष्ट्र का है, मराठी में है ये। लेकिन आप वो वीडियो को कंटेंट देखिए, उसके अंदर का वो लड़का क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। आपको यदि आप मराठी हो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर हिंदी है तो भी आपको ये समझ में आएगा कि तरह से असर होता है व्यक्ति व्यक्ति की। तो आइए देखते हैं किस तरह का है। आताच माझी निवड पुणे जिल्हा स्पर्धेसाठी निवड झाली होती, पण तिथे मला एका गुणाने अपयश आल्याबद्दल मला पराभव स्वीकारावा लागला। परंतु खेळ चालू आहे, माझी निवड झाल्याने माझी वर्तमानपत्रात म्हणजे पेपरमध्ये बातमी आल्याने माझ्या घरच्यांना फार अभिमान वाटला। आणि आता माझी पुढची इच्छा आहे की महाराष्ट्र केसरी हो, त्यासाठी माझे वडील आणि घरचे फार प्रयत्न करतात। आणि हे आता तुम्ही जे करताय याच्यामुळे तुम्ही 100% सक्सेस होणार आहे। तुम्ही एका गुणाने गेलेले आहे आणि जरी एका गुणाने गेलेले असले तर तुम्ही तुमची जिद्द सोडलेली नाही आहे। तर जिद्द ही महत्वाची आहे। यश अपयश हे येतच असते, कारण की सगळ्यांना यश येते असं नाही आहे। यश आलं तर अपयश कोणाला पण येणार आहे। दोन बाजू आहे नाण्याच्या, एक बाजू असते तर होऊ शकते अपयशाचं नाणं सध्या आपल्याकडे आहे, उद्या हे नाणं तिकडे होऊन जाईल, यश आपल्याकडे येऊन जाईल। त्याच्यामुळे मनात आत्मविश्वास ठेवायचा आहे, एकदम बिलकुल दृढ निश्चित ठेवायचा आहे आणि ते लक्ष गाठायचं म्हणजे गाठायचं। असं जेव्हा तुम्ही कराल तेव्हा तुम्ही 110% सक्सेस व्हाल आणि तुम्ही व्हाल असा मला पूर्ण अनुभव, म्हणजे पूर्ण खात्री आहे मला याची, पूर्ण माझ्या मला पूर्ण खात्री आहे की तुम्ही करू शकता। व्हेरी गुड, व्हेरी नाईस, छान बोलले, बढिया बोलले तुम्ही।